था कि आफ्ताब और श्रद्धा का केस उल्टा ना बन जाए, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। तो खुद एक तरफ साबित करता है कि ही इज फीयरिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम एंड नाउ ही सेइंग कि ही इज फीयरिंग अबाउट हिज लाइफ, सो दैट इज वेरी शॉकिंग टू अस। अभी तक अभियोजन पक्ष के वकील को अरे सर 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 इधर थोड़ा आगे बोलिए। तिवारी जी, शिवानी और वहाँ से जाएंगे आप सिक्योरिटी अभी जो बात है कही जा रही है बाल ना काटे। अरे यार ये हाथ के बीच में डाल रहे हैं तू। इन एप्लीकेशन पे कोर्ट का क्या रुख रहा है? किस चीज का डर है? अटक काम गया ना। प्लीज सर ना थोड़ा मोबाइल अभी तक वो प्लीज आप एप्लीकेशन जेल सॉरी बाद में चार बार अभी अर्पण चल रहा है करना है पेंडिंग है पेंडिंग है। अरे यार ऊपर रखना है बोल रहा है कि उसको याद नहीं आ रहा है। तो आप कैसे हो सकता है कि 7 दिन में आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भी याद नहीं? कौन भी बार बार पलट रहे अपने बयानों से? कौन सी सवाल है? पूरी तरह आपको सब कुछ सिखाया जाता है जाना जा रहा है बहुत सुना इधर 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 मेंटली इतना प्रिपेयर है कि पुलिस को अपना पासवर्ड तक नहीं बता रहे। मूर्ति के नाते आते हैं कि हर एंगल से इसकी जांच हो और सच जो है उसको बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इतना जानता हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो कभी छुपता नहीं है। क्या जिम्मे में बहुत सारे राज छिपे हैं? उसके मेल में बहुत सारे राज बताए हुए हैं। आपको लगता है ऐसा? क्या अगर मेल पे हो सकता है बस फोटोग्राफ या कुछ भी हो सकता है? जीमेल पे हम लोग बहुत सारी चीजें सेव करते हैं जो और बहुत सारी अलग अलग अकाउंट्स की चैटिंग होती है। अगर वो और अलग अलग ऐप्स पे था और यू नो डेटिंग ऐप सब जीमेल से कनेक्टेड होते हैं तो शायद इसीलिए मैं जीमेल नहीं बताना चाहता। क्या पासवर्ड नहीं बता रहा है? इसके पीछे कोई वजह है? ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए? जानकारी पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं पॉसिबल भूल भी जाता है तो 7 दिन में याद आना चाहिए। अब उनकी फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कुछ दिनों में, आज या कल में करेगी, और कहा जा रहा है कि जो जो आरोप लगाया गया शहजान के ऊपर उन सबका जवाब देगी फैमिली। और सबसे बड़ा आरोप थप्पड़ का आरोप लगा था सुसाइड किया बूम 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 या उसका मर्डर हुआ या इसमें कोई और भी एंगल है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी का खून होता है या किसी की जान जाती है तो वो गुनाह कभी छुपता नहीं है, तो ज़रूर बहुत जल्दी सामने आएगा। जी बिल्कुल। सपोर्ट में क्या होता है? देखिए जेसी हो गया है, मैं आपसे बाद में करूँगा कुछ बात, मुझे कुछ एप्लीकेशन फाइल करने, उसके लिए मुझे प्लीज टाइम दीजिए। पुलिस ने कोई आधार नहीं रखा था, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन ओवर है, कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, पुलिस के कस्टडी में है, कोर्ट ने वो चीज खारिज करते हुए जेसी ग्रांट किया। कितने दिन की पुलिस कस्टडी मांग की थी पुलिस ने? ये उसमें लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि पुलिस कस्टडी चाहिए। बेल कब लगाएंगे आप लोग? बेल अभी कुछ हमें एप्लीकेशन फाइल करने हैं कोर्ट में, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग आपसे मुखातिब होंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। प्लीज किस तरह का पासवर्ड भूल गए थे बताया? सर उन्होंने कहा कि इनके आईडी का पासवर्ड नहीं था, जो कि पुलिस ऑलरेडी जो है रिट्रीव कर सकती है, रिकवर कर सकती है, इसलिए आप जेसी हो गया, बस इतना आप न्यूज चलाइए, बाकी हम आपको बाद में। ठीक है, आज हिजाब का मुद्दा। बेल के लिए कब मूव करेंगे सर? बेल के लिए कब? हिजाब वगैरह सब बेबुनियाद है, पहले ही दिखा दिया। थप्पड़ का आरोप भी लगाया था सर? थप्पड़ का भी आरोप? थप्पड़ का आरोप लगाया था सर? आरोप लगा था, आप लोग खुद ही बोल रहे आरोप लगा था, इसलिए नहीं, ये सब गलत है। प्लीज मेरा सर बेल के लिए कब मूव कर? आप बेल के लिए टाइम है, हम डिसाइड करेंगे फिर मूव करेंगे। ठीक है, क्या फैमिली की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सर? वो ऑलरेडी है, आप उनसे बात कर लो। मैं रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए प्लीज, मुझे कोर्ट का काम करने दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।